तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चैप्टर से एक और न्यू टॉपिक के बारे में स्टडी कर लेते हैं, जिसका नाम है पिरिडीन। तो पिरिडीन को मैं आप लोगों को 2 से 3 पार्ट में बताऊंगी। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। आज के वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक। इसके अलावा इस चैप्टर के और भी काफी सारे वीडियोस बन चुके हैं, जो कि आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चैनल में मिल जाएंगे, तो आप चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आप पिरिडीन का फॉर्मूला देखिए, C5H5N, मतलब 5 कार्बन एटम, 5 हाइड्रोजन एटम और 1 नाइट्रोजन एटम मिल करके पिरिडीन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए इस प्रकार से आप पिरिडीन का स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पे आप गिन सकते हो 5, ये जो है वो 6 मेंबर रिंग है। मतलब अगर हम इसके मेंबर को काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 मेंबर वाला साइकिल है। अभी तक हम लोग जो भी साइकिल पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, वो 5 मेंबर वाला हुआ करता था, लेकिन ये जो आज का हमारा स्ट्रक्चर है पिरिडीन का, वो 6 मेंबर वाला साइकिल है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन हेट्रो एटम प्रेजेंट है। मतलब ये जो आपका नाइट्रोजन है वो एक विषम परमाणु है, जिसे हम हेट्रो एटम कहते हैं, इसलिए हम इसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये जो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है। मतलब इसमें मेंबर की संख्या 6 है, और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आगे जब हम इसका केमिकल रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह देखेंगे, तो नॉर्मली हम पिरिडीन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को इस तरीके से बॉन्ड वगैरह नहीं बनाना है तो डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बीच में राउंड का शेप डाल करके भी पिरिडीन का स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब अगर हम इसके नंबरिंग की बात करें, पोजीशन वगैरह की बात करें, तो देखिए यहाँ जो हेट्रो एटम नाइट्रोजन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे इसका नंबरिंग करना। ये 1, then 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 6 मेंबर प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम लोगों ने इसका नंबरिंग हम लोगों ने किया हुआ है। अब चलिए पोजीशन के बारे में भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए अल्फा 2 नंबर और 6 नंबर, यहाँ पर अल्फा पोजीशन होगा। 3 नंबर और 5 नंबर, यहाँ पर बीटा पोजीशन होगा, और ये जो 4th नंबर है वो गामा पोजीशन होगा। तो क्लियर हुआ आपको अल्फा बीटा गामा। तो इस प्रकार से इसका पोजीशन हम लोगों ने देखा हुआ है। इसका फॉर्मूला C5H5N होता है। तो इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया इस पिरिडीन के बारे में, आपको समझ में आया। पिरिडीन जो है वो 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, और इसमें जो हेट्रो एटम होते हैं वो नाइट्रोजन होते हैं। और अगर हम बॉन्ड की बात करें, तो यहाँ पे देख रहे हो 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसमें भी हम डबल बॉन्ड वगैरह दिखा सकते हैं। तो क्लियर हो गया इस इंट्रोडक्शन पिरिडीन का। अब चलिए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर आते हैं। भौतिक गुण कौन कौन से हैं पिरिडीन के? पिरिडीन एक कलरलेस लिक्विड है, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होता है। इसका बॉइलिंग प्वाइंट, मतलब जो इनका क्वथनांक होता है, वो 115 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें अप्रिय विशिष्ट गंध होती है, मतलब इसका जो स्मेल होता है वो थोड़ा सा मतलब अप्रिय होता है। यह जल में विलेय है, अगर हम इसे वाटर में अच्छे से घोलते हैं तो ये आसानी से पानी में घुल जाते हैं। पिरिडीन अनेक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए उत्तम विलायक होता है, मतलब अच्छा सॉल्वेंट होता है। विलायक मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज आसानी से घुल सके, तो ये जो है वो एक अच्छा सॉल्वेंट है। तो इस तरीके से आप इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख सकते हो अपने नोट्स में। तो यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देख लेते हैं, पिरिडीन को किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण को एक लाल तप्त नली में से प्रवाहित करके पिरिडीन संश्लेषित किया जाता है। यहाँ पे हम क्या क्या लेना है, हाइड्रोजन साइनाइड आप देख रहे हो Sc(NN)। एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है, CH(CH)CH। अब हम तीनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो पिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोग आसानी से इससे पिरिडीन का फॉर्मेशन कर सको। अब आपको ये करना है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच आपको एक सिंगल बॉन्ड बनाना है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच। तो जैसे ये 3 सिंगल बॉन्ड बनते हैं, ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो अब केवल डबल बॉन्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही इजी है गाइस। देखो पहले CH और CH के बीच क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, लेकिन अब केवल डबल बॉन्ड रह गया। इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच देखिए इस तरीके से बॉन्ड बन चुका है सिंगल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड अब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके पिरिडीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो थोड़ा सा आप इस रिएक्शन को थोड़ा प्रैक्टिस करें। ट्रिपल बॉन्ड को आपको डबल बॉन्ड बनाना है, और यहाँ पर जिसके बीच कोई बॉन्ड नहीं है वहां पर आपको एक एक बॉन्ड बनाना है। तो
आसानी से आपका दो मॉलिक्यूल एसिटिलीन का और एक हाइड्रोजन साइनाइड का आपस में मिल करके पिरिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस करना होगा। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे आप आसानी से इस तरीके से तीनों को आपस में जोड़ करके पिरिडीन बना सकते हो। अब सेकंड नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। पेंटामेथिलीन डाइएमिन हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करने से पिपेरिडीन प्राप्त होता है। पिपेरिडीन का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 द्वारा 300 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीकृत करने पर पिरिडीन प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं पेंटा हमें क्या लेना है। यहाँ पर पेंटामेथिलीन डाइएमिन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमें पिपेरिडीन पहले प्राप्त होता है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। तो इसमें बिल्कुल आपको बहुत ही इजी है गाइस, इसको जैसे ही आप हीट गर्म करोगे यहां से HCl का दो मॉलिक्यूल, यहां पे आप देख रहे हो HCl, यहां से HCl का टू मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा और यहां से NH3 यहां से रिलीज होंगे और बाकी यहां पे NH बचा होगा वो इस तरीके से जुड़ जाएंगे और ये आपका पिपेरिडीन बन जाएगा। मतलब देखिए इसमें क्या हुआ, दो HCl यहां से निकल गया और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, H2N और NH2। तो यहाँ से NH3, ये तो NH2 हुआ और यहाँ से एक हाइड्रोजन NH3, मतलब NH3 का वन मॉलिक्यूल और HCl के दो मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गए हैं। बाकी जो NH बचा है वो इस तरीके से बॉन्ड बना करके, मतलब साइक्लिक संरचना यहाँ पर बना लेते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है पिपेरिडीन का। बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड ये सब का कोई रोल नहीं है, बाकी ये सब बॉन्ड जो है वो आपस में मिल जाते हैं और इस तरीके से एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है जो कि आपका पिपेरिडीन कहलाता है। अब ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ जिसमें हम लोगों ने देखा कि पेंटामेथिलीन डाइएमिन हाइड्रोक्लोराइड को जब हम लोगों ने गर्म किया तो हमें पिपेरिडीन प्राप्त हुआ। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, पिपेरिडीन का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 द्वारा 300 डिग्री सेल्सियस पर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहां पर देखिए पिपेरिडीन, ये जो आपका, तो पिपेरिडीन को हम लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन जब हम इसका करेंगे तो यहां से छह हाइड्रोजन का एटम यहां से निकल जाएंगे। मतलब यहां पे आप देख रहे हो H2O का 3 मॉलिक्यूल यहां पर बनेगा और यहां पे पिरिडीन का फॉर्मेशन होगा। तो H2O का 3 मॉलिक्यूल बनने के लिए यहां पे आप देख रहे हो 6 हाइड्रोजन एटम चाहिए। तो यहां से 6 हाइड्रोजन एटम जो है वो निकल जाएंगे। यहां पर आप देख रहे हो CH2 है वो अब CH हो गया है, मतलब H2C है वो SC हो गया, मतलब यहां से एक एक हाइड्रोजन एटम यहां से रिलीज हो गए हैं और ये जो 6 हाइड्रोजन एटम है वो इस 3 ऑक्सीजन के एटम के साथ मिल करके वाटर के 3 मॉलिक्यूल बना लेते हैं 3H2O और आपका ये पिरिडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्लियर हुआ क्या कहा मैंने, 6 हाइड्रोजन के एटम यहां से निकलते हैं और यहां पर ऑक्सीजन के साथ मिल करके वाटर का 3 मॉलिक्यूल बनाते हैं और बाकी जो आपका बचा हुआ है वो आपका पिरिडीन कहलाएगा। तो पिरिडीन का फॉर्मेशन हो गया। क्या क्या किया हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में पेंटामेथिलीन डाइएमिन हाइड्रोक्लोराइड को हम लोगों ने हीट किया, गर्म किया तो हमें पिपेरिडीन प्राप्त हुआ और पिपेरिडीन का जब हम लोगों ने ऑक्सीकरण किया H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमें पिरिडीन प्राप्त हुआ। पिरिडीन का कंपाउंड हमें यहां पर मिलता है और वाटर के 3 मॉलिक्यूल भी यहां से बाहर निकलते हैं। अब थर्ड नंबर का हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, 5-क्लोरोएमिल एमिन को क्षार के साथ गर्म करने पर। तो यहां पे हम लोग देखिए क्या लिए हुए हैं, 5-क्लोरोएमिल एमिन। तो यहां पर आप फॉर्मूला देख सकते हो, इसको हम लोग KOH के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, मतलब क्षार के साथ, बेस के साथ हम लोग इसे गर्म करते हैं तो हमें पिपेरिडीन प्राप्त होता है। बस यहां पे सिंपली कुछ नहीं होगा, यहां पर ये जो NH2 और CL है, CL एक NH के साथ मिलकर के HCl बना करके यहां से बाहर निकल जाते हैं, बाकी बचा आपका NH और NH जो है वो इस तरीके से जुड़ जाते हैं और साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं जो कि आपका पिपेरिडीन कहलाएगा। अब पिपेरिडीन का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे जो सेम, ये जो सेकंड नंबर में जो मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन बताया हुआ था कि हाइड्रोजन का एक एक एटम यहां से निकल जाएंगे, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन एटम निकल करके ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके वाटर के 3 मॉलिक्यूल बना लेंगे, सेम यहां पर भी वही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होने वाला है और इस तरीके से यहां पर भी पिरिडीन का फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर के 3 मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो H2C है तो एक एक हाइड्रोजन एटम यहां से निकलेंगे तो यहां पर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको पिरिडीन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया इस आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने देखा पिरिडीन का हम कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।